उत्तराखंड के देहरादून में ऐसे ठेली माफिया सक्रिय हैं जिनके पास सैकड़ों की संख्या में अवैध ठेलियां हैं और इनका संचालन किराए पर देकर कर रहे हैं। इससे ठेली माफिया घर बैठकर खुद को रोजाना की दर से मोटा किराया वसूल कर रहे हैं। शहरवासी ठेली माफियाओं के कारण जाम की समस्याओं से परेशान हैं। वहीं शहर में अवैध ठेलियां सड़क पर अपनी मनमर्जी से लेकर खड़े हो जाते हैं। वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया कि शहर में ऐसे 8 ठेली माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही पुलिस एक्ट के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी और नगर निगम को भी अपने स्तर पर कार्यवाही के लिए कहा गया। साथ ही बताया कि यातायात पुलिस और नगर निगम के प्रयास से शहर में ठेलियों का संचालन नियोजित किया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। ये रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी और मंडी के आसपास में बहुत सारी ठेलियां ऐसी हैं जो लोग ठेली को रेंट पे दे रहे हैं। रेंट पे चलने से बहुत सारी ठेलियां यातायात को अवरुद्ध करती हैं और एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो ऐसे 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। और भी लोग हैं जो ठेली किराए पे देते हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर इनके साइज अप्रूव्ड होने चाहिए। तो नगर निगम को इस संबंध में लिखा जा रहा है कि ये जो ठेलियां हैं इनकी, इनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें, प्रॉपर लाइसेंस दें। और इनकी लाइसेंसिंग में हमने एक सुझाव दिया है कि इन ठेलियों को अलग अलग स्थान पर, अलग अलग एरिया के हिसाब से और लोगों की सुविधा के हिसाब से इनको जगह आवंटित किया जाए जहां पर ये लोगों की सुविधा के हिसाब से ठेलियों का संचालन हो और ठेलियाँ अवैध ना हो, ये रजिस्टर्ड हों। और इन रजिस्टर्ड ठेलियों को करने के लिए आवंटन में यदि पुलिस की आवश्यकता है तो पुलिस वेरिफिकेशन कर सकती है इन लोगों का। लेकिन अवैध ढंग से जो ठेलियां चल रही हैं, जो खतरनाक दुर्घटना का कारण भी बन रही है और पूरा ट्रैफिक जैम का कारण भी बन रही है, इसलिए हमने एक नगर निगम को सुझाव दिया था कि पुलिस और नगर निगम मिलकर इस समस्या को बेहतर कर सकें।